हे गाइस, वेलकम टू बोर्सेस एकेडमी। ये मेरा थर्ड पार्ट का वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस किया है डिफरेंट सिनेरियोस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक सिस्टम है, आइसोथर्मल सिस्टम है, एडियाबेटिक सिस्टम है एंड आइसोलेटेड सिस्टम है। इस सारे इस केसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, ये सारा इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो ऑफ द फर्स्ट लॉ। सो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ में के कौन से कहाँ पर, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, तो उससे वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट पे क्या हमें अफेक्ट होता है वो देखेंगे हम। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, दैट इज एन आइसोकोरिक सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस और माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे वी कॉन्स्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, सो चेंज इन वॉल्यूम हमारा जीरो आएगा। जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हुआ। सो यहाँ पर अगर हम पुट करें डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, सो दिस होल टर्म्स कैंसल्स आउट और हमें यहाँ पे बचता है सिर्फ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू। सो नो वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, सो देयर इज एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, मतलब जो भी चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इन एन आइसोलेटेड मींस वॉल्यूम सिस्टम में, मतलब जहां पे आइसोकोरिक सिस्टम है वहां पर। देन सेकेंड बात करेंगे, इफ हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हुआ, यानी आइसोथर्मल सिस्टम है हमारा, सो हमें एक इक्वेशन पता है यहाँ पर कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे सी वी रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट पे, स्पेसिफिक हीट जो भी है सब्सटेंस की उस पे, तो टी कॉन्स्टेंट है हमारा, आइसोथर्मल सिस्टम है, सो डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो होगा क्योंकि टी कॉन्स्टेंट है, सो फाइनल माइनस इनिशियल रिमेन्स सेम, सो टी डेल्टा टी इज जीरो। इफ डेल्टा टी जीरो हुआ हमारा, then delta u is also zero, putting that in equation delta u equals to q plus or minus w, that is our first law, we can say that q is equals to plus or minus w as delta u is equals to zero, मतलब जो भी हमारा heat होगा वो convert होगा work में, okay? So फर्स्टली हमें कांस्टेंट वॉल्यूम हमें दिखता है बॉम कैलोरीमीटर में, बॉम कैलोरीमीटर में हम कांस्टेंट वॉल्यूम को एग्जांपल देख सकते हैं। एंड एज एन एग्जांपल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन से इट फॉर एन आइडियल इंजन, सपोज एक आइडियल इंजन है, वी कैन से फॉर इट के उसमें हमें कांस्टेंट टेम्परेचर का ये मीन्स जो भी हीट प्रोवाइड होगा उससे हमें वर्क डन, मैकेनिकल वर्क हम कर सकते। देन थर्ड सिनेरियो दैट इज कॉन्स्टेंट हीट सिस्टम, मतलब एडियाबेटिक, जहां ना हीट पास हो रही है ना मिल रही है। सो इफ क्यू इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे मतलब सीधा हमें पता है कि हीट जा नहीं रही है, आ नहीं रही है, सो क्यू इज इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस डब्ल्यू। सो चेंज इन एनी इंटरनल एनर्जी इज रिजल्टेड इन टू वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, बट ऐसा कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है जो परफेक्टली एडियाबेटिक हो। हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंसुलेशन के हिसाब से एडियाबेटिक है 99%, बट 100% ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज अवर फोर्थ सिनेरियो वेयर द सिस्टम इज टोटली आइसोलेटेड, नो इंटरनल एनर्जी इज देयर, नो हीट इज सप्लाइड और हैज इन इट, so delta u becomes zero, delta means q becomes zero, so putting it in the first law, that is delta u equals to q plus or minus w, we get work equals to zero, so there is no work done. So यहाँ पे हमने four scenarios देखे first law के base पे, जहाँ constant volume है, constant temperature है, constant heat है और isolated। हम एक क्विक लुक ले लेते हैं, अभी हमने जो डिस्कस किया डिफरेंट सिनेरियोस ऑफ फर्स्ट लॉ। सो फर्स्टली हम कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक सिस्टम की बात की, तो डेल्टा वी जीरो हुआ, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू।
सेकेंडली बात करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज आइसोथर्मल, उसमें डेल्टा टी जीरो हुआ, सो डेल्टा यू जीरो हुआ, सो क्यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस डब्ल्यू। देन थर्ड कॉन्स्टेंट हीट सिस्टम दैट इज एडियाबेटिक कंडीशंस, वहां पर क्यू जीरो हुआ, सो पुटिंग इट इन द फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस और माइनस डब्ल्यू, क्यू बिकम्स जीरो, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस डब्ल्यू। फोर्थ आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, सो ऑटोमेटिकली डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये था हमारा डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ फर्स्ट लॉ। थैंक यू। इफ ये वीडियो आपको कैसे भी हेल्प करता हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करो और वहां से मेरी पीडीएफ डाउनलोड करो।